अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ झटपट सी चिकन कढ़ाई। बहुत ही इजी बन जाती है। एक कढ़ाई में आपने लेना है तकरीबन आधा कप तेल और फिर उसके अंदर ऐड करना है 300 से 400 ग्राम चिकन कढ़ाई कट पीस। उसमें थोड़ा सा ऐड करें जिंजर गार्लिक पेस्ट और मिर्चें और इसको इतना फ्राई करें जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाए। अब ये चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और इसको ढक के पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाए। मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, सो मेक श्योर कि आप वो देख लें। और इसमें कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया, मैंने सारे घर के मसाले हैं जो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको हाई हीट पे थोड़ी देर भून लें। फिर इसमें मैं ऐड करी हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के आसपास दही और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। बस जैसे ही तेल ऊपर आ जाए उसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ थोड़ी सी छोटी मिर्चें, कटी हुई अदरक के स्लाइसेस और थोड़ा सा धनिया। और ये देखें चिकन कढ़ाई रेडी है विद इन 30 मिनट्स। मेरा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।